सो गाइज इट्स अ गुड न्यूज, निकी तंबोली की हो रही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में एंट्री। तो चलिए जानते हैं क्या है ये गुड न्यूज। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज बैक टू बैक खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के इस शो को लेकर बज क्रिएटेड है। बैक टू बैक फैंस यही कयास लगा रहे हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दूं कि वेल समर्स के मौके पर इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो इससे पहले फिलहाल खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स सभी एक्टर्स को और सेलिब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं। अब नाम सामने आ गया है बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट रही निकी तंबोली का नाम सामने आ चुका है। तो निकी तंबोली को किया गया है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए अप्रोच, जिसके बाद निकी तंबोली ने जिक्र भी किया था रियलिटी शो का कि वो बहुत जल्द नजर आ सकती हैं किसी रियलिटी शो में, किसी बड़े शो में। तो इसका मतलब ये साफ है कि खतरों के खिलाड़ी में भी निकी तंबोली की हो सकती है एंट्री। और इसके पहले अगर बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस में जिस डेडिकेशन के साथ निकी ने गेम खेला है बिग बॉस का, वो काबिले तारीफ है। निकी तंबोली हमेशा से अपने वर्क को लेकर, अपने बिग बॉस की गेम को लेकर डेडिकेटेड थी और शुरुआती दिनों से लेकर एंड तक की उनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा ऑसम रही है। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद वो काफी डिजर्विंग कंटेस्टेंट है खतरों के खिलाड़ी के लिए, जिसके बाद उन्हें किया गया है अप्रोच। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में निकी तंबोली की एंट्री से कितना धमाल मचता है इस शो में। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड कि निकी तंबोली की एंट्री होने वाली है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में? हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं अपने कमेंट्स। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।